देखो, सो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स के अंदर बेटा हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका, ध्यान से समझना, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल की और स्मॉल की से, बहुत सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई भी मास क्या कर सकता है, कैन शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। वो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। अभी इनको हम देखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, जैसे हम बोलते थे इनर्शिया, इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसको कहीं अलग से डेवलप नहीं किया जाएगा। कोई भी मास एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसके साथ वो प्रॉपर्टी भी आएगी। तो एज इट इज चार्ज जो है वो भी कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसकी है? मास की, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने में उसकी हेल्प करेगा। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहां पर, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड ओनली बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज्ड कब कहलाएगी? या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हो, लूज किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया हो, गेन किया हो। अदरवाइज मान लो मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, अभी मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखो समझो ध्यान से भाई, सपोज अगर मैंने आपके पास ये लिख के दिया आपको, तो आप इसे अभी क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम एलिमेंट। ये क्या रहा आपका? सोडियम। या फिर मैं कह सकता हूं सिंगल एटम ऑफ सोडियम, तो मैंने क्या कहा? एटम। और एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एटम को तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि एटम एक चार्ज्ड बॉडी है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट हमें पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इस सोडियम ने उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये तुरंत कुछ ऐसा हो सकता है? अभी तक ये क्या था? एटम था, पर अब ये क्या बन गया? आयन बन गया। अब ये क्या बन गया? चार्ज बन गया। आई बात समझ में नहीं है, क्लियर हुआ? एज इट इज मेरे पास एक क्लोरीन, ठीक है, मैं इसे क्या कहूंगा? भाई ये क्लोरीन एटम, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन। इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब क्या ये क्लोरीन एटम रहेगा? अब ये क्या बन गया? सी एल माइनस। अब मैं इसे क्या कहूंगा? नाउ दिस इज एन आयन। तो कोई भी बॉडी चार्ज्ड कब कहलाएगी? या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। बात समझ आई या नहीं आई? और अब देखो हमारे पास एक पॉजिटिव बॉडी आ गई, एक नेगेटिव बॉडी आ गई। अगर इन दोनों को एक दूसरे के करीब रख दिया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज दे आर शोइंग व्हाट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ये क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं। कहानी समझ आई क्या है? पक्का श्योर? अब बात आती है किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट। सो देखो ध्यान से भाई, सपोज हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया और उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रंट व्यू से, हमने अपने इस इलेक्ट्रॉन को कहां से देखा और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या बना हुआ है? करंट। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तुम्हारा, तो करंट कैसे?
चीज बनेगी। अगर आप यहाँ पे पोलैरिटी मैच करते हो मैग्नेटिज्म की, तो कौन सी पोलैरिटी मैच होती है? साउथ पोल। इस तरीके से मान लीजिए हम सब लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को देखा फ्रंट व्यू से, ठीक है, एंड से देख पूरा ऊपर ग्लास पार्टीशन है। अगर हमने यहाँ पर बनाया और हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस रूम से पीछे वाले रूम में जो बच्चे बैठे हैं उन्हें कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदला है। तो फ्रंट व्यू से ये है, और अगर हम लोग बात करें इसी इलेक्ट्रॉन को बैक व्यू में देखने की, तो ये इलेक्ट्रॉन हमें कैसे घूमता हुआ नजर आया? क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घूमा तो यहां पर हमारे पास जो करंट बनेगा वो कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बना तो यहां कौन सी पोलैरिटी आ गई बेटा? नॉर्थ पोलैरिटी आ गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन तो वही एक सिंपल है ना, बट वी आर हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोलैरिटीज। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक मैग्नेटिक डाइपोल, और इसकी अपनी खुद की क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट। आई बात समझ में? सो हम लोगों ने क्या कहा कि चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या शो कर सकता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जो कि हमने ये समझा, और क्या शो कर सकता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हमने ये समझा। बात समझ आई अच्छे से? इलेक्ट्रिक चार्ज पता लग गया। अब बात याद रखोगे इसकी यूनिट्स को लेकर के, भाई एक तो यही हुई एसआई यूनिट जो कि बहुत फैमिलियर है, दैट इज कूलम, रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? सी से। मजा तो अब आएगा। दूसरी यूनिट, ये दो चलती है बेटा आपके पास, ठीक है, और ये दो किस तरीके से? एक चलती है व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। हम तो पढ़ी क्या रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज की वो प्रॉपर्टीज जो रेस्ट पर रह करके बन रही होंगी, ठीक है। तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन इट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज द स्टैट कूलम। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैट कूलम कहेंगे बेटा, ध्यान रहेगा। फिर दूसरी, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, चार्ज मोशन में आया तो बना करंट, करंट आया तो करंट से बना मैग्नेटिज्म। सो ये ध्यान रखना, यहां कहा जाता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, एंड दिस इज रिटन एज एब कूलम। पहले बताओ यहां तक की कहानी समझ आ गई? श्योर। सो अभी हमने सिर्फ देखा चार्ज क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसकी बेसिक यूनिट्स को भी क्या ध्यान रखना, हो जाएगा अच्छे से, ठीक। देन इसके बाद देखो बेटा, भाई आपको याद रखना है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज बोले तो प्लस माइनस ई, ठीक है। भाई अगर हमसे कहा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम कितना ले लेंगे? दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और अगर हमसे कहा गया प्रोटॉन, तो हम कितना ले लेंगे बेटा? पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। याद रहेगा पक्का? कुछ छोटे छोटे डेटा को याद रखना आप लोग हमेशा, जैसे कि हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की, तो ये तो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आप याद रखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इनटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, और याद रखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इनटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। क्लियर? यही से एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर क्या कहा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है,
इसका मतलब जब कभी कोई भी बॉडी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ ये बॉडी और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इसके मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिवली चार्ज ही मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, मतलब इसने मास को लूज किया, तो इसका मास क्या हो जाएगा कम, भले ही नेग्लिजिबल चेंज है बट आएगा, तो वो आप कंसिडरेशन में लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। एंड इफ यू आर सेइंग ये बॉडी क्या होगी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने मास को, तो मास क्या हो जाएगा चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है, यहां पर समझ आ गया ना चीजें। नाउ इसके बाद ठीक एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, फिर ध्यान रखना है पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या चीज है, देखो सुनो, जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन को लिखते हो, सो दिस इज ऐसे e माइनस वन जीरो, ठीक है, जब प्रोटॉन को लिखते हो सो दैट इज प्रोटियंस, ये चीज, एंड पॉजिट्रॉन इज e प्लस वन जीरो, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। सो पॉजिट्रॉन क्या है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर बट जिसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर। मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज किसका होगा प्रोटॉन का, ये ध्यान रखना, याद रखिए जी। फिर एज इट इज याद रख लो अल्फा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको याद भी होंगे बेटा। सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली योर हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहां पर क्या ध्यान रखो कि मास ऑफ अल्फा इज फोर टाइम्स प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा इज टू टाइम्स प्रोटॉन, ठीक है। इफ इट इज बीटा पार्टिकल तो आप डिटो डेटा ले लो किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये ध्यान रखना, ये चीजें आप लेंगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहां पर, अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है आपके पास, बहुत फेमिलियर है और छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। सबसे पहली जो कि बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर दोनों ही चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव, और अगर दोनों ही कैसे हैं नेगेटिव, सो दे विल रिपेल, ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और अगर एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे ऑलवेज अट्रैक्ट, याद रखिए चीज, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, मजेदार है, ध्यान से समझेंगे। मान लो एक बॉडी ए जिस पर की मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है, और एक बॉडी बी इस पर कुछ इस तरीके से शो किया, कुछ डिफरेंस होगा दोनों में, क्या डिफरेंस होगा सोचो, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसका मतलब इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, अगर इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ठीक है, इस वजह से तो इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ऐसा है सो वी कॉल इट एज हाइपोटेंशियल। अभी बॉडी को क्या कहा जाएगा हाइपोटेंशियल, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर पॉजिटिव चार्ज दैट इज योर हाइपोटेंशियल। और अगर मैं यहां पर देखता हूं बी को ए के रिस्पेक्ट में तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम है, इसका मतलब इसने ए के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो दिस मींस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ये बॉडी, यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर ऐसा है सो दिस मींस द बॉडी इज एट लो पोटेंशियल। अभी जो बॉडी है वो कैसे है लो पोटेंशियल, जब तक हमने इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं करा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना जब तक इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब हमने क्या करा, इनको एक
कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया इसको हमने, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन, हम तो डिफ्यूजन जानते हैं कि मूवमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू, बात समझ में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से कहां आना शुरू कर देंगे, ए पर। तो यहां से एक चीज पता लगे, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, बिल्कुल सही, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर। बट अब एक चीज सोचो, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू किया, इस पर कैसा चार्ज आने लगेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, ठीक है। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो इस पर कैसे चार्ज आने लगेगा, तो इसका चार्ज बढ़ने लगेगा। सो दो सोचो ध्यान से, यहां ज्यादा था पॉजिटिव, कम हो गया, यहां कम था, यहां तो चार्ज की मूवमेंट ऐसे होगी, हाँ ना। सो इसका मतलब चार्ज always moves from high potential to low potential. आई बात समझ में। तो प्रॉपर्टी हमें क्या समझनी है यहां पे, कि अगर मैं बोलता हूं चार्ज, तो चार्ज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जो चार्ज डेवलप होगा, जो चार्ज बनेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बनेगा ना। तो कारण क्या है चार्ज के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करने का, कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। दोनों क्लियर हो गए अच्छे से, पक्का। देन तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, एडिटिव। और एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट को ध्यान रखना, कि जो नेट चार्ज होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रख दोगे, जो नेगेटिव है नेगेटिव रख दो, ठीक। और क्योंकि समझना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे सम को फॉलो कर रहा है, अगर वेक्टर सम फॉलो करे क्वांटिटी सो इट इज वेक्टर, एल्जेब्रिक सम फॉलो करे तो स्केलर। तो जब पूछे ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आया, पक्का क्लियर हुआ, ठीक। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करो अच्छे से। मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी कंसीडर करी, से ये एक मास पार्टिकल ए जिस पर चार्ज है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, ये मास पार्टिकल बी जिस पर चार्ज है -6 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज पार्टिकल है सी जिस पर है पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलर, ठीक है। तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो कितना लिखा जाएगा, इट इज पॉजिटिव 10 नेगेटिव 6 इतने माइक्रोकूलर। अगर इसे सॉल्व आउट कर लिया जाए तो कितना हो गया हमारे पास, इट इज पॉजिटिव ऑफ 6 माइक्रोकूलर, क्लियर हुआ। और एक चीज और ध्यान रखना, हमने स्पेसिफिकली लिखा प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, चार्ज जो भी होगा नेट चार्ज जो बॉडी के अंदर बना वो फाइनली अपीयर कहां करेगा, इट्स ऑलवेज ओवर द सरफेस। चार्ज कभी बॉडी के अंदर नहीं रुकेगा, इट विल फाइनली अपीयर ओवर द, इसका मतलब इस बॉडी की सरफेस पर कितना चार्ज दिखने वाला है, पॉजिटिव 6 माइक्रोकूलर। तीसरी प्रॉपर्टी याद रहेगी, पक्का। देन चौथी प्रॉपर्टी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा आपके पास, that electric charge is quantized,
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा बेटा? क्वांटाइज रहेगा। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है? देखो यहां पर जब हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से कहां आ रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो कभी ऐसे नहीं होगी कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 3.6 ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। आपने वैलेंसी बनाई ना जूनियर क्लासेस में, कभी ऐसी कोई वैलेंसी बनाई पॉजिटिव 1.3 फ्रैक्शन में बनाएंगे? नहीं ना, इट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जब चार्ज एक्वायर करेगी तो वो कब करेगी? इलेक्ट्रॉन के लॉस से या फिर इलेक्ट्रॉन के, सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, इट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? क्वांटाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है? सो क्यू दैट नेट चार्ज इज ऑलवेज रिटन एज प्लस माइनस एन। ये ध्यान रहेगा सभी को, ठीक है? और इसका बेसिक कॉज क्या है क्वांटाइजेशन का? व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? दैट इज द इंडिविजिबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी फ्रैक्शन में, डिविजिबल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रहेगी, ठीक। एंड आखिरी प्रॉपर्टी बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? Q इनिशियल विल बी इक्वल टू Q, मतलब प्रोसेस होने से पहले जितना चार्ज होगा प्रोसेस होने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, सो जो आप बोलते हैं ना दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। याद रहेगा? तो ये सारी की सारे याद रखने हमने किसमें? प्रॉपर्टी में। यहां तक के सारा हो जाएगा पक्का? आज याद रखा आपको इसको, ठीक है। अब करेंगे हम लोग